प्यारा प्यार का मार्ग हमारा, यह हमारा लक्ष्य है। चलो एक साथ चलेंगे हम वसुधैव कुटुंबकम्। हे वसुधैव 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 कुटुंबकम्। एक ही ईश्वर एक ही ज्ञान वसुधैव कुटुंबकम्। इस घर में हमें जीना है, हमारा जीवन अनुभूत विषयों के ऊपर ही दौड़ता रहता है तो जीवन में ना कोई नया चैतन्य का उदय होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मरे मरे से जीवन जीते रहते हैं। वो 30-20-30 साल तक जो अनुभव हुआ जीवन में, बस उसी में अटक गए। बाकी जिंदगी जो भी है वो पुराने 20-30 साल में जो अनुभव हुआ उसी को दोहराते रहते हैं, उसी के दृष्टि उसी से देखते रहते हैं पूरा जिंदगी। कोई नया अनुभव ना जीवन में, नई जिंदगी नहीं। एक ऐसे उदासीपन छा जाता है, व्यक्ति मानसिक तनाव और रोगों से पीड़ित हो जाता है। क्यों? वृत्ति में फंस गया। कौन सी वृत्ति? स्मृति में फंस गया। स्मृति ना हो तो नींद, नींद में फंस गया। नींद सोते रहते। दिन भर सोते रहना, रात भर सोते रहना, जितना अधिक सोगे उतना और कमजोरी महसूस होने लगता। छुट्टी के दिन 10 घंटे सो जाओ तो फिर उठते ही लगता है कि उठने का मन ही नहीं करता, और 2 घंटे फिर सो जाओ, फिर उठो, फिर लगता है कि अरे भारीपन लग रहा, फिर सो। माने नींद भी एक ऐसी वृत्ति है तुम्हें अपने आप को जानने से रोक देता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जागरण करते रहो, इनसोम्निया पेशेंट हो जाओ, अनिद्रा के बीमारी हो जाए तो आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। ये नहीं सोचो अनिद्रा की बीमारी आ जाए तभी मैं आत्मज्ञानी हो जाऊं, ऐसा नहीं है। वो जरूरी नहीं है। जागना भी जरूरी नहीं है, सोना भी इतना बहुत ज्यादा सोना भी नहीं जरूरी है, बहुत ज्यादा जागना भी। बहुत लोग ये करते हैं, अपने आप को इतना टॉर्चर करके, इतना हिंसा करके जगे रहने की चेष्टा करते हैं, अभ्यास करते हैं। ये नहीं है, ये गलत है।